नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको बॉबी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। बॉबी 1973 फिल्म। बॉबी 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की संगीत में रोमांस फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन राज कपूर ने किया है और इसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा है। फिल्म में राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर उनकी पहली प्रमुख भूमिका में डिंपल कपाड़िया के साथ उनकी पहली भूमिका में है। निर्देशक राज कपूर द्वारा लिखित जैनेन्द्र जैन संवाद पटकथा किए ख्वाजा अहमद अब्बास, बीपी साठे कहानी द्वारा ख्वाजा अहमद अब्बासी द्वारा उत्पादित राज कपूर अभिनीत ऋषि कपूर डिंपल कपाड़िया प्रेमनाथ प्राण छायांकन रातु कर्मकार द्वारा संपादित राज कपूर संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। उत्पादन कंपनी आर के फिल्म्स द्वारा वितरित। आर के फिल्म्स रिलीज की तारीख 28 सितंबर 1973। कार्यकारी समय 169 मिनट। देश इंडिया। भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस अनुमानित 31 करोड़। फिल्म एक ब्लॉकबस्टर बन गई। 1973 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय हिट भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1970 के दशक की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिट और सभी की शीर्ष 20 सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म में से एक समय जब मुद्रा स्फीति के लिए समायोजित यह सोवियत संघ में विदेशी ब्लॉकबस्टर भी बन गई, जहां इसने 62.6 मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया। यह सोवियत संघ में अब तक की शीर्ष 20 सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म ट्रेंड सेटर बन गई। यह बेतहाशा लोकप्रिय था और व्यापक रूप से इसका अनुकरण किया गया था। इसने बॉलीवुड को एक पृष्ठभूमि के रूप में एक अमीर बनाम गरीब संघर्ष के साथ किशोर रोमांस की शैली पेश की। बाद के वर्षों और दर्शकों में कई फिल्में इस कथानक से प्रेरित थीं। इंडिया टाइम्स मूवीज ने बॉबी को टॉप 30 मस्ट सी बॉलीवुड फिल्म में स्थान दिया है। फिल्म को 1980 में परवाज दारगा पास के रूप में फारसी में बनाया गया था। भूखंड। कहानी अलग अलग वर्गों के दो बॉम्बे किशोरों के बीच प्यार के बारे में है। राजा राजनाथ ऋषि कपूर एक अमीर हिंदू व्यापारी रामनाथ प्राण का बेटा और बॉबी ब्रंगराजा डिंपल कपाड़िया एक गरीब की बेटी गोवा के ईसाई मछुआरे जय ब्रंगराजा प्रेमनाथ। राम अपने बोर्डिंग स्कूल से लौटता है। उनके लौटने पर उनके माता पिता ने उनका जन्मदिन मनाने के लिए एक पार्टी रखी। राज की पूर्व गवर्नर श्रीमती ब्रंगराजा दुर्गा कोटे बॉबी जो श्रीमती ब्रंगराजा की पोती है के साथ उन्हें उपहार देने के लिए आती है, लेकिन राज की माँ सुषमा नाथ सोनिया साहनी श्रीमती ब्रंगराजा की उपेक्षा करती है, जो उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। जल्दी में बॉबी राज अगले दिन अपने उपहार खोलता है और श्रीमती ब्रंगराजा का उपहार पाता है, इसलिए वह उसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का फैसला करता है। वहाँ पहुंचकर बॉबी उसके लिए दरवाज़ा खोलती है और यह उसके लिए पहली नज़र का प्यार है। उस यात्रा के दौरान वह अपनी किताब बॉबी के साथ मिलाता है, इसलिए यह वह किताबों का आदान प्रदान करने के लिए
पुस्तकालय में उससे मिलने जाता है और उसी से दोनों की दोस्ती होती है। राजा बॉबी एक फिल्म देखने जाने का फैसला करते हैं, लेकिन पता चलता है कि यह पूरा घर है। तभी राज को एक पार्टी में जाने का विचार आता है। पार्टी में बॉबी राज को सुषमा की डांस पार्टनर नीमा अरुणा ईरानी से बात करते हुए देखता है। निजी तौर पर वह सोचता है कि वह उससे प्यार करता है, इसलिए वह कश्मीर जाने से पहले अपने रिश्ते को तोड़ देती है। हालांकि राज कश्मीर आता है गलतफहमी को दूर करता है। जिसे बॉबी उसके साथ अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। राज की मिलनसार स्वभाव के कारण जैक और मिसेस ब्रंगेजा के राज और बॉबी के रिश्ते के बहुत समर्थक होने के बावजूद राज को पता चलता है कि राम इस मामले को अच्छी तरह से नहीं लेता है। जो अपने बेटे के एक गरीब मछुआरे के की बेटी के प्यार में पड़ने के विचार से घृणा करता है। राज के आग्रह पर राम ने जय को राज और बॉबी के रिश्ते की बातचीत शुरू करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन इसके बजाय एक जगह तब भड़क उठता है जब राम जय का अपमान करता है और उस पर बॉबी की सुंदरता और आकर्षण का उपयोग करके राज को अपने पैसे के लिए फंसाने का आरोप लगाता है। यहाँ तक कि उसने बॉबी के राज को देखने से रोकने के लिए जैक को नगद रिश्वत की पेशकश की थी। जैक इस आरोप से नाराज हो जाता है और बॉबी के साथ जाने से पहले राम का अपमान करके प्रतिशोध लेता है। उसे फिर से राज के साथ घूमने से मना करता है। बॉबी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जैक उसे और श्रीमती बैंगेजा को रहने के लिए भेजता है गोवा। बॉबी को भगाने के लिए राम पर भड़क गया। राज यह तब और तेज हो गया जब उसे पता चला कि राम उसकी शादी अलका निक्की शर्मा फरीदा जलाल नाम की एक मानसिक रूप से विकलांग धनी लड़की से करना चाहता है, ताकि वह राज से सलाह किए बिना अपने अमीर पिता श्री शर्मा पिंचू कपूर के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर सके। सुषमा और नीमा भी इस विचार के समर्थक नहीं है। नीमा जो इस मुद्दे पर राज से सहानुभूति रखती है कि सलाह पर राज अपने पिता से सभी संबंध तोड़ देता है और बॉबी के साथ पुनर्मिलन के लिए गोवा चला जाता है, जो उसके साथ भाग जाता है। जैसा कि सुषमा राज को भगाने के लिए राम को दोषी ठहराती है, बाद में राज को खोजने में मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए $25,000 के इनाम का विज्ञापन करती है। एक स्थानीय समाचार पत्र पर इनाम देखते हुए राज और बॉबी को देखकर प्रेम चोपड़ा नाम का एक स्थानीय लालची गुंडा प्रेम चोपड़ा फैसला करता है कि उसे पैसे चाहिए, इसलिए वह और उसके गुंडे राज और बॉबी का अपहरण कर लेते हैं। जब किशोर भागने की कोशिश करते हैं तो बॉबी को रोकने के लिए अपने गुंडों के साथ प्रेम राज की पिटाई शुरू कर देता है। आखिरकार जैक प्रेम पर हमला करके बचाव के लिए आता है, जो अपने गुंडों को प्रतिशोध में जैक को पीटने का आदेश देता है। हालांकि यह आने वाले राम और पुलिस द्वारा देखा गया, जिन्होंने प्रेम और उसके गुंडों को जमकर पीटा और गिरफ्तार कर लिया, जबकि राज और बॉबी भाग गए। यह तय करते हुए कि वे नहीं चाहते कि उनके पिता अब उनके रिश्ते में हस्तक्षेप करें, राज और बॉबी ने जैक का विरोध करने और पहली जगह में जाना शुरू करने के लिए राम को चवाने के बाद झरने पर कूद कर आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि एक भयभीत राम और जैक दोनों किशोरों को डूबने से बचाते हैं और उन्हें डूबने से बचाते हैं। झगड़े की मूर्खता को महसूस करने के बाद, जिसने दोनों किशोरों मौत के घाट उतार दिए, एक पछतावा राम और जैक राज और बॉबी के रिश्ते को अपना आशीर्वाद देकर झगड़े को ख़त्म करने के लिए सहमत हुए और फिर कभी रिश्तों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। अपने रिश्तों में सामंजस्य से बिठाने के साथ किशोर और उनके पिता
खुशी खुशी अपने परिवारों के घर वापस चले जाते हैं। ढालना, राजा राजनाथ के रूप में ऋषि कपूर, डिंपल कपाड़िया बॉबी ब्रांगेजा के रूप में प्रेमनाथ, जैक ब्रांगेजा के रूप में श्रीमती ब्रांगेजा के रूप में दुर्गा कोटे, रामनाथ के रूप में प्राण, सोनिया साहनी के रूप में सुषमा नाथ, अरुणा ईरानी निमा के रूप में प्रेम चोपड़ा के रूप में प्रेम चोपड़ा, फरीदा जलाल अलका निक्की शर्मा के रूप में पिंचू कपूर मिस्टर शर्मा के रूप में श्रीमती शर्मा के रूप में राजानी, जगदीश राज पुलिस निरीक्षक के रूप में शशि किरण श्याम के रूप में राज के कॉलेज साथी, श्रीमती पेस्टन जी के रूप में पीलू जी बाडिया। इस फिल्म में राज कपूर ने अपने दूसरे बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च किया। वह युवा प्रेम कहानी के पूरक के लिए एक नई गायिका चाहते थे। डिंपल कपाड़िया और नीतू सिंह का बॉबी ब्रांगेजा की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया गया था, लेकिन डिंपल को आखिरकार चुना गया। गीत संगीत फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने दिया है। गीत आनंद बख्शी, राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी और विट्ठल भाई पटेल द्वारा लिखे गए थे। आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए गीत को छोड़कर जहां उल्लेख किया गया है। गाना नंबर 1 ए फांसा, इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। अरुणा ईरानी पर फिल्माया गया, ये इसकी टिप्पणी है। गाना नंबर 2 अखियों को रहने दे, इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। टिप्पणी, रेशमा के गीत अखियां नू रह दे पर आधारित है। गाना नंबर 3 बेशक मंदिर मस्जिद, इस गाने को नरेंद्र चंचल राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी के बोल हैं। गाना नंबर 4 हम तुम एक काम के बंदे हो, इस गाने को लता मंगेशकर शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। टिप्पणी, कपूर परिवार के बंगले में उनके फार्म हाउस राजबाग के अंदर गोली मार दी गई, जो राज कपूर का स्मारक है और महाराष्ट्र में पुणे से 30 किलोमीटर पूर्व में लोनी कालभोर गांव में मुलामुथा नदी के तट पर MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी NIT WPU के अंदर स्थित है। गाना नंबर 5 झूठ बोले कौवा काटे, इस गाने को लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। टिप्पणी, गांव के एक डांस सेटिंग में ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़े पर फिल्माया गया। गाना नंबर 6 मैं शायर तो नहीं, इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। टिप्पणी, ऋषि कपूर पर फिल्माया गया 2004 की फिल्म हम तुम में गीत का पुनः उपयोग किया गया और उस पर फिर से चित्रित किया गया। गाना नंबर 7 मुझे कुछ कहना है, इस गाने को लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 ना मंगुन सोना चांदी, इस गाने को मन्ना डे और शैलेंद्र सिंह गीतकार विट्ठल भाई पटेल ने अपनी आवाज़ में गाया है। पुरस्कार, 21वां फिल्मफेयर पुरस्कार जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषि कपूर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया, अभिमान के लिए जया भादुड़ के साथ बंदी, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर नरेंद्र चंचल को बेशक मंदिर मस्जिद के लिए, बेस्ट और डायरेक्शन ए रंगराजी, बेस्ट साउंड डिजाइन अलादीन खान कुरैशी, मनोनीत सर्वश्रेष्ठ फिल्म राज कपूर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राज कपूर, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता प्रेमनाथ, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री अरुणा ईरानी, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सर्वश्रेष्ठ गीतकार हम तुम एक काम के बंदे हो के लिए आनंद बख्शी, सर्वश्रेष्ठ गीतकार आनंद बख्शी मैं शायर तो नहीं के लिए,
सर्वश्रेष्ठ गीतकार विठल भाई पटेल, झूठ बोले कौवा काटे के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर श्रेणी अभिषेक में, सनम मेहत शायर तो नहीं के लिए 1974 BFGA पुरस्कार, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर हिंदी सेक्शन शैलेंद्र सिंह मैं शायर तो नहीं के लिए। नंबर दो सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफर हिंदी अनुभाग रवीन खान कुरैशी। बॉबी मूवी की स्टोरी और गाने बहुत लोकप्रिय हुए जिसमें झूठ बोले कौवा काटे ये गाना बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको बॉबी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। बॉबी 1973 फिल्म। बॉबी 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की संगीत में रोमांस फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन राज कपूर ने किया है और इसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा है। फिल्म में राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर उनकी पहली प्रमुख भूमिका में डिंपल कपाड़िया के साथ उनकी पहली भूमिका में है। निर्देशक राज कपूर द्वारा लिखित जैनेन्द्र जैन संवाद पटकथा की है ख्वाजा अहमद अब्बास, बीपी साठे कहानी द्वारा ख्वाजा अहमद अब्बासी द्वारा उत्पादित राज कपूर अभिनीत ऋषि कपूर डिंपल कपाड़िया प्रेमनाथ प्राण, छायांकन रातु कर्मकार द्वारा संपादित राज कपूर, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी आर के फिल्म्स द्वारा वितरित आर के फिल्म्स, रिलीज की तारीख 28 सितंबर 1973, कार्यकारी समय 169 मिनट, देश इंडिया, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 31 करोड़। फिल्म एक ब्लॉकबस्टर बन गई 1973 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय हिट। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1970 के दशक की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिट और सभी की शीर्ष 20 सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म में से एक समय जब मुद्रास्फीति के लिए समायोजित यह सोवियत संघ में विदेशी ब्लॉकबस्टर भी बन गई, जहां इसने 62.6 मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया। यह सोवियत संघ में अब तक की शीर्ष 20 सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म ट्रेंड सेटर बन गई। यह बेतहाशा लोकप्रिय था और व्यापक रूप से इसका अनुकरण किया गया था। इसने बॉलीवुड को एक पृष्ठभूमि के रूप में एक अमीर बनाम गरीब संघर्ष के साथ किशोर रोमांस की शैली पेश की। बाद के वर्षों और दर्शकों में कई फिल्में इस कथानक से प्रेरित थीं। इंडिया टाइम्स मूवीज ने बॉबी को टॉप 30 मस्ट सी बॉलीवुड फिल्म में स्थान दिया है। फिल्म को 1980 में परवाज दारगा पास के रूप में फारसी में बनाया गया था। भूखंड। कहानी अलग अलग वर्गों के दो बॉम्बे किशोरों के बीच प्यार के बारे में है। राजा राजनाथ ऋषि कपूर एक अमीर हिंदू व्यापारी रामनाथ प्राण का बेटा और बॉबी ब्रंगराजा डिंपल कपाड़िया एक गरीब की बेटी गोवा के ईसाई मछुआरे जय ब्रंगराजा प्रेमनाथ। राम अपने बोर्डिंग स्कूल से लौटता है।
उनके लौटने पर उनके माता पिता ने उनका जन्मदिन मनाने के लिए एक पार्टी रखी। राज की पूर्व गवर्नर श्रीमती ब्रांगाजा दुर्गा खोटे बॉबी जो श्रीमती ब्रांगाजा की पोती है के साथ उन्हें उपहार देने के लिए आती है, लेकिन राज की माँ सुषमा नाथ सोनिया सहनी श्रीमती ब्रांगाजा की उपेक्षा करती है, जो उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। जल्दी में बॉबी राज अगले दिन अपने उपहार खोलता है और श्रीमती ब्रांगाजा का उपहार पाता है, इसलिए वह उसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का फैसला करता है। वहाँ पहुँच कर बॉबी उसके लिए दरवाज़ा खोलती है और यह उसके लिए पहली नज़र का प्यार है। उस यात्रा के दौरान वह अपनी किताब बॉबी के साथ मिलाता है, इसलिए यह वह किताबों का आदान प्रदान करने के लिए पुस्तकालय में उससे मिलने जाता है और उसी से दोनों की दोस्ती होती है। राजा बॉबी एक फिल्म देखने जाने का फैसला करते हैं, लेकिन पता चलता है कि यह पूरा घर है। तभी राज को एक पार्टी में जाने का विचार आता है। पार्टी में बॉबी राज को सुषमा की डांस पार्टनर नीमा अरुणा हिरानी से बात करते हुए देखता है निजी तौर पर और सोचता है कि वह उससे प्यार करता है, इसलिए वह कश्मीर जाने से पहले अपने रिश्ते को तोड़ देती है। हालांकि राज कश्मीर आता है गलतफहमी को दूर करता है। जिसे बॉबी उसके साथ अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। राज की मिलनसार स्वभाव के कारण जैक और मिसेस ब्रंगेजा के राज और बॉबी के रिश्ते के बहुत समर्थक होने के बावजूद राज को पता चलता है कि राम इस मामले को अच्छी तरह से नहीं लेता है, जो अपने बेटे के एक गरीब मछुआरे के की बेटी के प्यार में पड़ने के विचार से घृणा करता है। राज के आग्रह पर राम ने जैक को राज और बॉबी के रिश्ते की बातचीत शुरू करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन इसके बजाय एक जगह तक भड़क उठता है जब राम जैक का अपमान करता है और उस पर बॉबी की सुंदरता और आकर्षण का उपयोग करके राज को अपने पैसे के लिए फंसाने का आरोप लगाता है। यहाँ तक कि उसने बॉबी के राज को देखने से रोकने के लिए जैक को नगद रिश्वत की पेशकश की थी। जैक इस आरोप से नाराज हो जाता है। बॉबी के साथ जाने से पहले राम का अपमान करके प्रतिशोध लेता है, उसे फिर से राज के साथ घूमने से मना करता है। बॉबी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जैक उसे और श्रीमती ब्रांगाजा को रहने के लिए भेजता है गोवा। बॉबी को भगाने के लिए राम पर भड़क गया। राज यह तब और तेज हो गया जब उसे पता चला कि राम उसकी शादी अलका निक्की शर्मा फरीदा जलाल नाम की एक मानसिक रूप से विकलांग धनी लड़की से करना चाहता है, ताकि वह राज से सलाह किए बिना अपने अमीर पिता श्री शर्मा पिंचू कपूर के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर सके। सुषमा और नीमा भी इस विचार के समर्थक नहीं है। नीमा जो इस मुद्दे पर राज से सहानुभूति रखती है कि सलाह पर राज अपने पिता से सभी संबंध तोड़ देता है और बॉबी के साथ पुनर्मिलन के लिए गोवा चला जाता है, जो उसके साथ भाग जाता है। जैसा कि सुषमा राज को भगाने के लिए राम को दोषी ठहराती है, बाद में राज को खोजने में मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए $25,000 के इनाम का विज्ञापन करती है। एक स्थानीय समाचार पत्र पर इनाम देखते हुए राज और बॉबी को देखकर प्रेम चोपड़ा नाम का एक स्थानीय लालची गुंडा प्रेम चोपड़ा फैसला करता है कि उसे पैसे चाहिए, इसलिए वह और उसके गुंडे राज और बॉबी का अपहरण कर लेते हैं। जब किशोर भागने की कोशिश करते हैं तो बॉबी को रोकने के लिए अपने गुंडों के साथ प्रेमराज की पिटाई शुरू कर देता है। आखिरकार जैक प्रेम पर हमला करके बचाव के लिए आता है, जो अपने गुंडों को प्रतिशोध में जैक को पीटने का आदेश देता है। हालांकि
यह आने वाले राम और पुलिस द्वारा देखा गया, जिन्होंने प्रेम और उसकी गुंडों को जमकर पीटा और गिरफ्तार कर लिया, जबकि राज और बॉबी भाग गए। यह तय करते हुए कि वे नहीं चाहते कि उनके पिता अब उनके रिश्ते में हस्तक्षेप करें, राज और बॉबी ने जैक का विरोध करने और पहली जगह में जा शुरू करने के लिए राम को चबाने के बाद झरने पर कूद कर आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि एक भयभीत राम और जैक दोनों किशोरों को डूबने से बचाते हैं और उन्हें डूबने से बचाते हैं। झगड़े की मूर्खता को महसूस करने के बाद, जिसने दोनों किशोरों को मौत के घाट उतार दिए, एक पछतावा राम और जैक राज और बॉबी के रिश्ते को अपना आशीर्वाद देकर झगड़े को ख़त्म करने के लिए सहमत हुए और फिर कभी रिश्तों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। अपने रिश्तों में सामंजस्य से बिठाने के साथ किशोर और उनके पिता खुशी खुशी अपने परिवारों के घर वापस चले जाते हैं। ढालना। राजा राजनाथ के रूप में ऋषि कपूर, डिंपल कपाड़िया बॉबी ब्रांगेजा के रूप में प्रेमनाथ, जैक ब्रांगेजा के रूप में श्रीमती ब्रांगेजा के रूप में दुर्गा कोटे, रामनाथ के रूप में प्राण, सोनिया साहनी के रूप में सुषमा नाथ, अरुणा ईरानी निमा के रूप में प्रेम चोपड़ा के रूप में प्रेम चोपड़ा, फरीदा जलाल अलका निक्की शर्मा के रूप में पिंचू कपूर, मिस्टर शर्मा के रूप में श्रीमती शर्मा के रूप में राजरानी, जगदीश राज पुलिस निरीक्षक के रूप में शशिकरण श्याम के रूप में राज के कॉलेज साथी, श्रीमती पेस्टन जी के रूप में पीलू जी बाडिया। इस फिल्म में राज कपूर ने अपने दूसरे बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च किया। वह युवा प्रेम कहानी के पूरक के लिए एक नई गायिका चाहते थे। डिंपल कपाड़िया और नीतू सिंह का बॉबी ब्रांगेजा की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया गया था, लेकिन डिंपल को आखिरकार चुना गया। गीत संगीत। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने दिया है। गीत आनंद बख्शी, राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी और विट्ठल भाई पटेल द्वारा लिखे गए थे। आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए गीत को छोड़कर जहां उल्लेख किया गया है। गाना नंबर एक ए फांसा। इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। अरुणा ईरानी पर फिल्माया गया, ये इसकी टिप्पणी है। गाना नंबर दो अखियों को रहने दे। इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। टिप्पणी। रेशमा के गीत अखियां नूर दे पर आधारित है। गाना नंबर तीन बेशक मंदिर मस्जिद। इस गाने को नरेंद्र चंचल, राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी के बोल हैं। गाना नंबर चार हम तुम एक काम के बंदे हो। इस गाने को लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। टिप्पणी। कपूर परिवार के बंगले में उनके फार्म हाउस राजबाग के अंदर गोली मार दी गई, जो राज कपूर का स्मारक है और महाराष्ट्र में पुणे से 30 किलोमीटर पूर्व में लोनी कालभोर गांव में मुलामुथा नदी के तट पर MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी NIT WPU के अंदर स्थित है। गाना नंबर पाँच झूठ बोले कौवा काटे। इस गाने को लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। टिप्पणी। गांव के एक डांस सेटिंग में ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़े पर फिल्माया गया। गाना नंबर छः मैं शायर तो नहीं। इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। टिप्पणी। ऋषि कपूर पर फिल्माया गया 2004 की फिल्म हम तुम में गीत का पुनः उपयोग किया गया और उस पर फिर से चित्रित किया गया। गाना नंबर सात मुझे कुछ कहना है। इस गाने को लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ ना मंगून सोना चांदी। इस गाने को मन्ना डे और शैलेंद्र सिंह गीतकार विट्ठल भाई पटेल ने अपनी आवाज़ में गाया है।
पुरस्कार 21वां फिल्मफेयर पुरस्कार जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषि कपूर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया, अभिमान के लिए जया भादुर के साथ बंदी, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर नरेंद्र चंचल को बेशक, मंदिर मस्जिद के लिए, बेस्ट और डायरेक्शन ए रंगराजी, बेस्ट साउंड डिजाइन अलादीन खान कुरैशी, मनोनीत सर्वश्रेष्ठ फिल्म राज कपूर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राज कपूर, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता प्रेमनाथ, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री अरुणा ईरानी, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सर्वश्रेष्ठ गीतकार हम तुम एक काम के बंदे हो के लिए आनंद बख्शी, सर्वश्रेष्ठ गीतकार आनंद बख्शी मैं शायर तो नहीं के लिए, सर्वश्रेष्ठ गीतकार विठल भाई पटेल झूठ बोले कौवा काटे के लिए, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर श्रेणी सिंह में मैं शायर तो नहीं के लिए 1974 BFJ पुरस्कार, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर हिंदी सेक्शन शैलेंद्र सिंह मैं शायर तो नहीं के लिए, नंबर दो सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफर हिंदी अनुवाद अलादीन खान कुरैशी, बॉबी मूवी की स्टोरी और गाने बहुत लोकप्रिय हुए जिसमें झूठ बोले कौवा काटे ये गाना बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको बॉबी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। बॉबी 1973 फिल्म। बॉबी 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की संगीत में रोमांस फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन राज कपूर ने किया है और इसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा है। फिल्म में राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर उनकी पहली प्रमुख भूमिका में डिंपल कपाड़िया के साथ उनकी पहली भूमिका में है। निर्देशक राज कपूर द्वारा लिखित जैनेन्द्र जैन संवाद पटकथा की है ख्वाजा अहमद अब्बास, BP साठे कहानी द्वारा ख्वाजा अहमद अब्बासी द्वारा उत्पादित राज कपूर, अभिनीत ऋषि कपूर, डिंपल कपाड़िया, प्रेमनाथ प्राण, छायांकन रातु कर्मकार द्वारा संपादित राज कपूर, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी आरके फिल्म्स द्वारा वितरित आरके फिल्म्स, रिलीज की तारीख 28 सितंबर 1973, कार्यकारी समय 169 मिनट, देश इंडिया, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 31 करोड़। फिल्म एक ब्लॉकबस्टर बन गई। 1973 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय हिट भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1970 के दशक की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिट और सभी की शीर्ष 20 सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म में से एक समय जब मुद्रा स्फीति के लिए समायोजित यह सोवियत संघ में विदेशी ब्लॉकबस्टर भी बन गई, जहां इसने 62.6 मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया। यह सोवियत संघ में अब तक की शीर्ष 20 सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म ट्रेंड सेटर बन गई। यह बेतहाशा लोकप्रिय था और व्यापक रूप से इसका अनुकरण किया गया था। इसने बॉलीवुड के एक पृष्ठभूमि के रूप में
एक अमीर बनाम गरीब संघर्ष के साथ किशोर रोमांस की शैली पेश की। बाद के वर्षों और दर्शकों में कई फिल्में इस कथानक से प्रेरित थीं। इंडिया टाइम्स मूवीज ने बॉबी को टॉप 30 मस्ट सी बॉलीवुड फिल्म्स में स्थान दिया है। फिल्म को 1980 में परवाज दारगा पास के रूप में फारसी में बनाया गया था। भूखंड। कहानी अलग अलग वर्गों के दो बॉम्बे किशोरों के बीच प्यार के बारे में है। राजा राजनाथ ऋषि कपूर एक अमीर हिंदू व्यापारी रामनाथ प्राण का बेटा और बॉबी ब्रंगाजा डिंपल का पाड़िया एक गरीब की बेटी गोवा के ईसाई मछुआरे जैक ब्रंगाजा प्रेमनाथ। राम अपने बोर्डिंग स्कूल से लौटता है। उनके लौटने पर उनके माता पिता ने उनका जन्मदिन मनाने के लिए एक पार्टी रखी। राज की पूर्व गवर्नर श्रीमती ब्रंगाजा दुर्गा खोटे बॉबी जो श्रीमती ब्रंगाजा की पोती है के साथ उन्हें उपहार देने के लिए आती है, लेकिन राज की माँ सुषमा नाथ सोनिया सहनी श्रीमती ब्रंगाजा की उपेक्षा करती है जो उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। जल्दी में बॉबी राज अगले दिन अपने उपहार खोलता है और श्रीमती ब्रंगाजा का उपहार पाता है, इसलिए वह उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने का फैसला करता है। वहाँ पहुँच कर बॉबी उसके लिए दरवाज़ा खोलती है और यह उसके लिए पहली नज़र का प्यार है। उस यात्रा के दौरान वह अपनी किताब बॉबी के साथ मिलाता है, इसलिए यह वह किताबों का आदान प्रदान करने के लिए पुस्तकालय में उससे मिलने जाता है और उसी से दोनों की दोस्ती होती है। राजा बॉबी एक फिल्म देखने जाने का फैसला करते हैं, लेकिन पता चलता है कि यह पूरा घर है। तभी राज को एक पार्टी में जाने का विचार आता है। पार्टी में बॉबी राज को सुषमा की डांस पार्टनर नीमा अरुणा हिरानी से बात करते हुए देखता है निजी तौर पर और सोचता है कि वह उससे प्यार करता है, इसलिए वह कश्मीर जाने से पहले अपने रिश्ते को तोड़ देती है। हालांकि राज कश्मीर आता है, गलतफहमी को दूर करता है। जिसे बॉबी उसके साथ अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। राज की मिलनसार स्वभाव के कारण जैक और मिसेस ब्रंगाजा के राज और बॉबी के रिश्ते के बहुत समर्थक होने के बावजूद राज को पता चलता है कि राम इस मामले को अच्छी तरह से नहीं लेता है, जो अपने बेटे के एक गरीब मछुआरे के की बेटी के प्यार में पड़ने के विचार से घृणा करता है। राज के आग्रह पर राम ने जैक को राज और बॉबी के रिश्ते की बातचीत शुरू करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन इसके बजाय एक जगह तक भड़क उठता है जब राम जैक का अपमान करता है और उस पर बॉबी की सुंदरता और आकर्षण का उपयोग करके राज को अपने पैसे के लिए फंसाने का आरोप लगाता है। यहाँ तक कि उसने बॉबी के राज को देखने से रोकने के लिए जैक को नगद रिश्वत की पेशकश की थी। जैक इस आरोप से नाराज हो जाता है और बॉबी के साथ जाने से पहले राम का अपमान करके प्रतिशोध लेता है। उसे फिर से राज के साथ घूमने से मना करता है। बॉबी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जैक उसे और श्रीमती ब्रंगाजा को रहने के लिए भेजता है गोवा। बॉबी को भगाने के लिए राम पर भड़क गया राज यह तब और तेज हो गया जब उसे पता चला कि राम उसकी शादी अलका निक्की शर्मा फरीदा जलाल नाम की मानसिक रूप से विकलांग धनी लड़की से करना चाहता है, ताकि वह राज से सलाह किए बिना अपने अमीर पिता श्री शर्मा पिंचू कपूर के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर सके। सुषमा और नीमा भी इस विचार के समर्थक नहीं है। नीमा जो इस मुद्दे पर राज से सहानुभूति रखती है कि सलाह पर राज अपने पिता से सभी संबंध तोड़ देता है और बॉबी के साथ पुनर्मिलन के लिए गोवा चला जाता है, जो उसके साथ भाग जाता है। जैसा कि सुषमा राज को भगाने के लिए राम को दोषी ठहराती है,
बाद में राज को खोजने में मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए $25,000 के इनाम का विज्ञापन करती है। एक स्थानीय समाचार पत्र पर इनाम देखते हुए राज और बॉबी को देखकर प्रेम चोपड़ा नाम का एक स्थानीय लालची गुंडा प्रेम चोपड़ा फैसला करता है कि उसे पैसे चाहिए, इसलिए वह और उसके गुंडे राज और बॉबी का अपहरण कर लेते हैं। जब किशोर भागने की कोशिश करते हैं तो बॉबी को रोकने के लिए अपने गुंडों के साथ प्रेमराज की पिटाई शुरू कर देता है। आखिरकार जैक प्रेम पर हमला करके बचाव के लिए आता है, जो अपने गुंडों को प्रतिशोध में जैक को पीटने का आदेश देता है। हालांकि यह आने वाले राम और पुलिस द्वारा देखा गया, जिन्होंने प्रेम और उसकी गुंडों को जमकर पीटा और गिरफ्तार कर लिया, जबकि राज और बॉबी भाग गए। यह तय करते हुए कि वे नहीं चाहते कि उनके पिता अब उनके रिश्ते में हस्तक्षेप करें, राज और बॉबी ने जैक का विरोध करने और पहली जगह में जा शुरू करने के लिए राम को चबाने के बाद झरने पर कूद कर आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि एक भयभीत राम और जैक दोनों किशोरों को डूबने से बचाते हैं और उन्हें डूबने से बचाते हैं। झगड़े की मूर्खता को महसूस करने के बाद जिसने दोनों किशोरों मौत के घाट उतार दिए, एक पछतावा राम और जैक राज और बॉबी के रिश्ते को अपना आशीर्वाद देकर झगड़े को ख़त्म करने के लिए सहमत हुए और फिर कभी इस तुम्हें हस्तक्षेप न करने का वादा किया। अपने रिश्तों में सामंजस्य से बिठाने के साथ किशोर और उनके पिता खुशी खुशी अपने परिवारों के घर वापस चले जाते हैं। ढालना। राजा राजनाथ के रूप में ऋषि कपूर, डिंपल कपाड़िया बॉबी ब्रांगेजा के रूप में प्रेमनाथ, जैक ब्रांगेजा के रूप में श्रीमती ब्रांगेजा के रूप में दुर्गा कोटे, रामनाथ के रूप में प्राण, सोनिया साहनी के रूप में सुषमा नाथ, अरुणा ईरानी निमा के रूप में प्रेम चोपड़ा के रूप में प्रेम चोपड़ा, फरीदा जलाल अलका निक्की शर्मा के रूप में पिंचू कपूर, मिस्टर शर्मा के रूप में श्रीमती शर्मा के रूप में राजरानी, जगदीश राज पुलिस निरीक्षक के रूप में शशिकरण, श्याम के रूप में राज के कॉलेज साथी, श्रीमती पेस्टन जी के रूप में पीलू दीपाड़िया। इस फिल्म में राज कपूर ने अपने दूसरे बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च किया। वह युवा प्रेम कहानी के पूरक के लिए एक नई गायिका चाहते थे। डिंपल कपाड़िया और नीतू सिंह का बॉबी ब्रांगेजा की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया गया था, लेकिन डिंपल को आखिरकार चुना गया। गीत संगीत। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने दिया है। गीत आनंद बख्शी, राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी और विट्ठल भाई पटेल द्वारा लिखे गए थे। आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए गीत को छोड़कर जहां उल्लेख किया गया है। गाना नंबर 1 ए फांसा। इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। अरुणा ईरानी पर फिल्माया गया, ये इसकी टिप्पणी है। गाना नंबर 2 अखियों को रहने दे। इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। टिप्पणी। रेशमा के गीत अखियां नूर हृदय पर आधारित है। गाना नंबर 3 बेशक मंदिर मस्जिद। इस गाने को नरेंद्र चंचल, राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी के बोल हैं। गाना नंबर 4 हम तुम एक काम के बंदे हो। इस गाने को लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। टिप्पणी। कपूर परिवार के बंगले में उनके फार्म हाउस राजबाग के अंदर गोली मार दी गई, जो राज कपूर का स्मारक है और महाराष्ट्र में पुणे से 30 किलोमीटर पूर्व में लोनी कालभोर गांव में मुलामुथा नदी के तट पर MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी NITWPU के अंदर स्थित है।
गाना नंबर 5 झूठ बोले कौवा काटे। इस गाने को लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। टिप्पणी, गांव के एक डांस सेटिंग में ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़े पर फिल्माया गया। गाना नंबर 6 मैं शायर तो नहीं, इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। टिप्पणी, ऋषि कपूर पर फिल्माया गया 2004 की फिल्म हम तुम में गीत का पुनः उपयोग किया गया और उस पर फिर से चित्रित किया गया। गाना नंबर 7 मुझे कुछ कहना है, इस गाने को लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 ना मंगुन सोना चांदी, इस गाने को मन्ना डे और शैलेंद्र सिंह गीतकार विठल भाई पटेल ने अपनी आवाज़ में गाया है। पुरस्कार, 21वां फिल्मफेयर पुरस्कार जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषि कपूर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया, अभिमान के लिए जया भादुर के साथ बंदी, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर नरेंद्र चंचल को बेशक मंदिर मस्जिद के लिए, बेस्ट और डायरेक्शन ए रंगराजी, बेस्ट साउंड डिजाइन अलादीन खान कुरैशी, मनोनीत सर्वश्रेष्ठ फिल्म राज कपूर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राज कपूर, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता प्रेमनाथ, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री अरुणा ईरानी, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सर्वश्रेष्ठ गीतकार हम तुम एक काम के बंदे हो के लिए आनंद बख्शी, सर्वश्रेष्ठ गीतकार आनंद बख्शी मैं शायर तो नहीं के लिए, सर्वश्रेष्ठ गीतकार विठल भाई पटेल झूठ बोले कौवा काटे के लिए, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर शैलेंद्र सिंह ने मैं शायर तो नहीं के लिए 1974 BFJ पुरस्कार, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर हिंदी सेक्शन शैलेंद्र सिंह मैं शायर तो नहीं के लिए। नंबर 2 सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफर हिंदी अनुवाद अलादीन खान कुरैशी। बॉबी मूवी की स्टोरी और गाने बहुत लोकप्रिय हुए जिसमें झूठ बोले कौवा काटे ये गाना बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको बॉबी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। बॉबी 1973 फिल्म। बॉबी 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की संगीत में रोमांस फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन राज कपूर ने किया है और इसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा है। फिल्म में राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर, उनकी पहली प्रमुख भूमिका में डिंपल कपाड़िया के साथ उनकी पहली भूमिका में है। निर्देशक राज कपूर द्वारा लिखित जैनेन्द्र जैन संवाद पटकथा की है ख्वाजा अहमद अब्बास, बीपी साठे कहानी द्वारा ख्वाजा अहमद अब्बासी द्वारा उत्पादित राज कपूर, अभिनीत ऋषि कपूर डिंपल कपाड़िया प्रेमनाथ प्राण, छायांकन रातू कर्मकार द्वारा संपादित राज कपूर, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी आर के फिल्म्स द्वारा वितरित आर के फिल्म्स, रिलीज की तारीख 28 सितंबर 1973, कार्यकारी समय 169 मिनट, देश इंडिया, भाषा हिंदी,
बॉक्स ऑफिस अनुमानित 31 करोड़। फिल्म एक ब्लॉकबस्टर बन गई। 1973 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय हिट भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1970 के दशक की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिट और सभी की शीर्ष 20 सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म में से एक समय जब मुद्रा स्फीति के लिए समायोजित यह सोवियत संघ में विदेशी ब्लॉकबस्टर भी बन गई, जहां इसने 62.6 मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया। यह सोवियत संघ में अब तक की शीर्ष 20 सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म ट्रेंड सेटर बन गई। यह बेतहाशा लोकप्रिय था और व्यापक रूप से इसका अनुकरण किया गया था। इसने बॉलीवुड को एक पृष्ठभूमि के रूप में एक अमीर बनाम गरीब संघर्ष के साथ किशोर रोमांस की शैली पेश की। बाद के वर्षों और दर्शकों में कई फिल्में इस कथानक से प्रेरित थीं। इंडिया टाइम्स मूवीज ने बॉबी को टॉप 30 मस्ट सी बॉलीवुड फिल्म्स में स्थान दिया है। फिल्म को 1980 में परवाज दारगा पास के रूप में फारसी में बनाया गया था। भूखंड कहानी अलग अलग वर्गों के दो बॉम्बे किशोरों के बीच प्यार के बारे में है। राजा राजनाथ ऋषि कपूर एक अमीर हिंदू व्यापारी रामनाथ प्राण का बेटा और बॉबी ब्रंगाजा डिंपल कपाड़िया एक गरीब की बेटी गोवा के ईसाई मछुआरे जय ब्रंगाजा प्रेमनाथ। राम अपने बोर्डिंग स्कूल से लौटता है। उनके लौटने पर उनके माता पिता ने उनका जन्मदिन मनाने के लिए एक पार्टी रखी। राज की पूर्व गवर्नर श्रीमती ब्रंगाजा दुर्गा कोटे बॉबी जो श्रीमती ब्रंगाजा की पोती है के साथ उन्हें उपहार देने के लिए आती है, लेकिन राज की माँ सुषमा नाथ सोनिया साहनी श्रीमती ब्रंगाजा की उपेक्षा करती है, जो उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। जल्दी में बॉबी राज अगले दिन अपने उपहार खोलता है और श्रीमती ब्रंगाजा का उपहार पाता है, इसलिए वह उसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का फैसला करता है। वहाँ पहुँच कर बॉबी उसके लिए दरवाज़ा खोलती है और यह उसके लिए पहली नज़र का प्यार है। उस यात्रा के दौरान वह अपनी किताब बॉबी के साथ मिलाता है, इसलिए यह वह किताबों का आदान प्रदान करने के लिए पुस्तकालय में उससे मिलने जाता है और उसी से दोनों की दोस्ती होती है। राजा बॉबी एक फिल्म देखने जाने का फैसला करते हैं, लेकिन पता चलता है कि यह पूरा घर है। तभी राज को एक पार्टी में जाने का विचार आता है। पार्टी में बॉबी राज को सुषमा की डांस पार्टनर नीमा अरुणा हिरानी से बात करते हुए देखता है निजी तौर पर और सोचता है कि वह उससे प्यार करता है, इसलिए वह कश्मीर जाने से पहले अपने रिश्ते को तोड़ देती है। हालांकि राज कश्मीर आता है, गलतफहमी को दूर करता है। जिसे बॉबी उसके साथ अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। राज की मिलनसार स्वभाव के कारण जैक और मिसेस ब्रंगाजा के राज और बॉबी के रिश्ते के बहुत समर्पित होने के बावजूद राज को पता चलता है कि राम इस मामले को अच्छी तरह से नहीं लेता है, जो अपने बेटे के एक गरीब मछुआरे के की बेटी के प्यार में पड़ने के विचार से घृणा करता है। राज के आग्रह पर राम ने जैक को राज और बॉबी के रिश्ते की बातचीत शुरू करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन इसके बजाय एक जगह तब भड़क उठता है जब राम जैक का अपमान करता है और उस पर बॉबी की सुंदरता और आकर्षण का उपयोग करके राज को अपने पैसे के लिए फंसाने का आरोप लगाता है। यहाँ तक कि उसने बॉबी के राज को देखने से रोकने के लिए जैक को नगद रिश्वत की पेशकश की थी। जैक इस आरोप से नाराज हो जाता है और बॉबी के साथ जाने से पहले राम का अपमान करके प्रतिशोध लेता है। उसे फिर से राज के साथ घूमने से मना करता है। बॉबी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जैक उसे
और श्रीमती बहंगजा को रहने के लिए भेजता है बुआ। भाभी को भगाने के लिए राम पर भड़क गया राज। यह तब और तेज हो गया जब उसे पता चला कि राम उसकी शादी अलका निक्की शर्मा फरीदा जलाल नाम की मानसिक रूप से विकलांग धनी लड़की से करना चाहता है, ताकि वह राज से सलाह किए बिना अपने अमीर पिता श्री शर्मा पिंचू कपूर के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर सके। सुषमा और नीमा भी इस विचार के समर्थक नहीं है। नीमा जो इस मुद्दे पर राज से सहानुभूति रखती है कि सलाह पर राज अपने पिता से सभी संबंध तोड़ देता है और बॉबी के साथ पुनर्मिलन के लिए गोवा चला जाता है, जो उसके साथ भाग जाता है। जैसा कि सुषमा राज को भगाने के लिए राम को दोषी ठहराती है, बाद में राज को खोजने में मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए $25,000 के इनाम का विज्ञापन करती है। एक स्थानीय समाचार पत्र पर इनाम देखते हुए राज और बॉबी को देखकर प्रेम चोपड़ा नाम का एक स्थानीय लालची गुंडा प्रेम चोपड़ा फैसला करता है कि उसे पैसे चाहिए, इसलिए वह और उसके गुंडे राज और बॉबी का अपहरण कर लेते हैं। दुखकिशोर भागने की कोशिश करते हैं तो बॉबी को रोकने के लिए अपने गुंडों के साथ प्रेमराज की पिटाई शुरू कर देता है। आखिरकार जैक प्रेम पर हमला करके बचाव के लिए आता है, जो अपने गुंडों को प्रतिशोध में जैक को पीटने का आदेश देता है। हालांकि यह आने वाले राम और पुलिस द्वारा देखा गया, जिन्होंने प्रेम और उसकी गुंडों को जमकर पीटा और गिरफ्तार कर लिया, जबकि राज और बॉबी भाग गए। यह तय करते हुए कि वे नहीं चाहते कि उनके पिता अब उनके रिश्ते में हस्तक्षेप करें, राज और बॉबी ने जैक का विरोध करने और पहली जगह में जगह शुरू करने के लिए राम को चबाने के बाद झरने पर कूद कर आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि एक भयभीत राम और जैक दोनों किशोरों को डूबने से बचाते हैं और उन्हें डूबने से बचाते हैं। झगड़े की मूर्खता को महसूस करने के बाद जिसने दोनों किशोरों मौत के घाट उतार दिए, एक पछतावा राम और जैक राज और बॉबी के रिश्ते को अपना आशीर्वाद देकर झगड़े को ख़त्म करने के लिए सहमत हुए और फिर कभी इसमें हस्तक्षेप न करने का वादा किया। अपने रिश्तों में सामंजस्य से बिठाने के साथ किशोर और उनके पिता खुशी खुशी अपने परिवारों के घर वापस चले जाते हैं। ढालना राजा राजनाथ के रूप में ऋषि कपूर, डिंपल कपाड़िया बॉबी ब्रांगेजा के रूप में प्रेमनाथ, जैक ब्रांगेजा के रूप में श्रीमती ब्रांगेजा के रूप में दुर्गा कोटे, रामनाथ के रूप में प्राण, सोनिया साहनी के रूप में सुषमा नाथ, अरुणा ईरानी, निमा के रूप में प्रेम चोपड़ा के रूप में प्रेम चोपड़ा, फरीदा जलाल अलका निक्की शर्मा के रूप में पिंचू कपूर, मिस्टर शर्मा के रूप में श्रीमती शर्मा के रूप में राजानी, जगदीश राज पुलिस निरीक्षक के रूप में शशिकरण शामिल के रूप में राज के कॉलेज साथी, श्रीमती पेस्टन जी के रूप में पीलू जी बाड़िया। इस फिल्म में राज कपूर ने अपने दूसरे बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च किया। वह युवा प्रेम कहानी के पूरक के लिए एक नई गायिका चाहते थे। डिंपल कपाड़ी और नीतू सिंह का बॉबी ब्रांगेजा की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया गया था, लेकिन डिंपल को आखिरकार चुना गया। गीत संगीत फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने दिया है। गीत आनंद बख्शी, राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी और विट्ठल भाई पटेल द्वारा लिखे गए थे। आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए गीत को छोड़कर जहाँ उल्लेख किया गया है, गाना नंबर 1 ए फांसा, इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। अरुणा ईरानी पर फिल्माया गया, ये इसकी टिप्पणी है। गाना नंबर 2 अखियों को रहने दे, इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है।
टिप्पणी रेशमा के गीत अखियाँ नूर हेदेव पर आधारित है। गाना नंबर 3 बेशक मंदिर मस्जिद। इस गाने को नरेंद्र चंचल राज कवि इंद्रजीत सिंह तुलसी के बोल हैं। गाना नंबर 4 हम तुम एक काम के बंदे हो। इस गाने को लता मंगेशकर शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। टिप्पणी कपूर परिवार के बंगले में उनके फार्म हाउस राजबाग के अंदर गोली मार दी गई जो अब राज कपूर का स्मारक है। और महाराष्ट्र में पुणे से 30 किलोमीटर पूर्व में डोनी कालभोर गांव में मुलामुथा नदी के तट पर MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी NIT WPU के अंदर स्थित है। गाना नंबर 5 झूठ बोले कौवा काटे। इस गाने को लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। टिप्पणी गांव के एक डांस सेटिंग में ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़े पर फिल्माया गया। गाना नंबर 6 मैं शायर तो नहीं। इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। टिप्पणी ऋषि कपूर पर फिल्माया गया 2004 की फिल्म हम तुम में गीत का पुनः उपयोग किया गया और उस पर फिर से चित्रित किया गया। गाना नंबर 7 मुझे कुछ कहना है। इस गाने को लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 ना मंगुन सोना चांदी। इस गाने को मन्ना डे और शैलेंद्र सिंह गीतकार विठल भाई पटेल ने अपनी आवाज़ में गाया है। पुरस्कार 21वां फिल्मफेयर पुरस्कार जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषि कपूर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया, अभिमान के लिए जया वादुल के साथ बंदी, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर नरेंद्र चंचल को बेशक मंदिर मस्जिद के लिए, बेस्ट और डायरेक्शन ए रंगराजी, बेस्ट साउंड डिजाइन अलादीन खान कुरैशी, मनोनीत सर्वश्रेष्ठ फिल्म राज कपूर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राज कपूर, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता प्रेमनाथ, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री अरुणा ईरानी, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सर्वश्रेष्ठ गीतकार हम तुम एक काम के बंदे हो के लिए आनंद बख्शी, सर्वश्रेष्ठ गीतकार आनंद बख्शी मैं शायर तो नहीं के लिए, सर्वश्रेष्ठ गीतकार विठल भाई पटेल झूठ बोले कौवा काटे के लिए, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर शैलेंद्र सिंह ने मैं शायर तो नहीं के लिए 1974 BFJ पुरस्कार, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर हिंदी सेक्शन शैलेंद्र सिंह मैं शायर तो नहीं के लिए। नंबर 2 सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफर हिंदी अनुवाद अलादीन खान कुरैशी। बॉबी मूवी की स्टोरी और गाने बहुत लोकप्रिय हुए जिसमें झूठ बोले कौवा काटे ये गाना बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको बॉबी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। बॉबी 1973 फिल्म। बॉबी 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की संगीत में रोमांस फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन राज कपूर ने किया है और इसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा है। फिल्म में राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर, उनकी
पहली प्रमुख भूमिका में डिंपल कपाड़िया के साथ उनकी पहली भूमिका में है। निर्देशक राज कपूर द्वारा लिखित जैनेन्द्र जैन संवाद पटकथा की है ख्वाजा अहमद अब्बास बीपी साठे। कहानी द्वारा ख्वाजा अहमद अब्बासी द्वारा उत्पादित राज कपूर अभिनीत ऋषि कपूर डिंपल कपाड़िया प्रेमनाथ प्राण। छायांकन रातू कर्मकार द्वारा संपादित राज कपूर। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। उत्पादन कंपनी आर के फिल्म्स द्वारा वितरित आर के फिल्म्स। रिलीज की तारीख 28 सितंबर 1973। कार्यकारी समय 169 मिनट। देश इंडिया। भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस अनुमानित 31 करोड़। फिल्म एक ब्लॉकबस्टर बन गई 1973 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय हिट। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1970 के दशक की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिट और सभी की शीर्ष 20 सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म में से एक समय जब मुद्रा स्फीति के लिए समायोजित यह सोवियत संघ में विदेशी ब्लॉकबस्टर भी बन गई, जहां इसने 62.6 मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया। यह सोवियत संघ में अब तक की शीर्ष 20 सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म ट्रेंड सेंटर बन गई। यह बेतहाशा लोकप्रिय था और व्यापक रूप से इसका अनुकरण किया गया था। इसने बॉलीवुड को एक पृष्ठभूमि के रूप में एक अमीर बनाम गरीब संघर्ष के साथ किशोर रोमांस की शैली पेश की। बाद के वर्षों और दर्शकों में कई फिल्में इस कथानक से प्रेरित थीं। इंडिया टाइम्स मूवीज ने बॉबी को टॉप 30 मस्ट सी बॉलीवुड फिल्म्स में स्थान दिया है। फिल्म को 1980 में परवाज दारगा पास के रूप में फारसी में बनाया गया था। भूखंड। कहानी अलग अलग वर्गों के दो बॉम्बे किशोरों के बीच प्यार के बारे में है। राजा राजनाथ ऋषि कपूर एक अमीर हिंदू व्यापारी रामनाथ प्राण का बेटा और बॉबी ब्रंगाजा डिंपल कपाड़िया एक गरीब की बेटी गोवा के ईसाई मछुआरे जय ब्रंगाजा प्रेमनाथ। राम अपने बोर्डिंग स्कूल से लौटता है। उनके लौटने पर उनके माता पिता ने उनका जन्मदिन मनाने के लिए एक पार्टी रखी। राज की पूर्व गवर्नर श्रीमती ब्रंगाजा दुर्गा कोटे बॉबी जो श्रीमती ब्रंगाजा की पोती है के साथ उन्हें उपहार देने के लिए आती है, लेकिन राज की माँ सुषमा नाथ सोनिया साहनी श्रीमती ब्रंगाजा की उपेक्षा करती है, जो उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। जल्दी में बॉबी राज अगले दिन अपने उपहार खोलता है और श्रीमती ब्रंगाजा का उपहार पाता है, इसलिए वह उसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का फैसला करता है। वहाँ पहुँच कर बॉबी उसके लिए दरवाज़ा खोलती है और यह उसके लिए पहली नज़र का प्यार है। उस यात्रा के दौरान वह अपनी किताब बॉबी के साथ मिलाता है, इसलिए यह वह किताबों का आदान प्रदान करने के लिए पुस्तकालय में उससे मिलने जाता है और उसी से दोनों की दोस्ती होती है। राजा बॉबी एक फिल्म देखने जाने का फैसला करते हैं, लेकिन पता चलता है कि यह पूरा घर है। तभी राज को एक पार्टी में जाने का विचार आता है। पार्टी में बॉबी राज को सुषमा की डांस पार्टनर नीमा अरुणा हिरानी से बात करते हुए देखता है निजी तौर पर और सोचता है कि वह उससे प्यार करता है, इसलिए वह कश्मीर जाने से पहले अपने रिश्ते को तोड़ देती है। हालांकि राज कश्मीर आता है गलतफहमी को दूर करता है। जिसे बॉबी उसके साथ अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। राज की मिलनसार स्वभाव के कारण जैक और मिसेस ब्रंगाजा के राज और बॉबी के रिश्ते के बहुत समर्पित होने के बावजूद
राज को पता चलता है कि राम इस मामले को अच्छी तरह से नहीं लेता है। वो अपने बेटे के एक गरीब मछुआरे के की बेटी के प्यार में पड़ने के विचार से घृणा करता है। राज के आग्रह पर राम ने जय को राज और बॉबी के रिश्ते की बातचीत शुरू करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन इसके बजाय एक जगह तब भड़क उठता है जब राम जय का अपमान करता है और उस पर बॉबी की सुंदरता और आकर्षण का उपयोग करके राज को अपने पैसे के लिए फंसाने का आरोप लगाता है। यहाँ तक कि उसने बॉबी के राज को देखने से रोकने के लिए जैक को नगद रिश्वत की पेशकश की थी। जैक इस आरोप से नाराज हो जाता है और बॉबी के साथ जाने से पहले राम का अपमान करके प्रतिशोध लेता है। उसे फिर से राज के साथ घूमने से मना करता है। बॉबी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जैक उसे और श्रीमती बैंगेजा को रहने के लिए भेजता है गोवा। बॉबी को भगाने के लिए राम पर भड़क गया। राज यह तब और तेज हो गया जब उसे पता चला कि राम उसकी शादी अलका निक्की शर्मा फरीदा जलाल नाम की मानसिक रूप से विकलांग धनी लड़की से करना चाहता है, ताकि वह राज से सलाह किए बिना अपने अमीर पिता श्री शर्मा पिंचू कपूर के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर सके। सुषमा और नीमा भी इस विचार के समर्थक नहीं है। नीमा जो इस मुद्दे पर राज से सहानुभूति रखती है कि सलाह पर राज अपने पिता से सभी संबंध तोड़ देता है और बॉबी के साथ पुनर्मिलन के लिए गोवा चला जाता है, जो उसके साथ भाग जाता है। जैसा कि सुषमा राज को भगाने के लिए राम को दोषी ठहराती है, बाद में राज को खोजने में मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए $25,000 के इनाम का विज्ञापन करती है। एक स्थानीय समाचार पत्र पर इनाम देखते हुए राज और बॉबी को देखकर प्रेम चोपड़ा नाम का एक स्थानीय लालची गुंडा प्रेम चोपड़ा फैसला करता है कि उसे पैसे चाहिए, इसलिए वह और उसके गुंडे राज और बॉबी का अपहरण कर लेते हैं। जब किशोर भागने की कोशिश करते हैं तो बॉबी को रोकने के लिए अपने गुंडों के साथ प्रेमराज की पिटाई शुरू कर देता है। आखिरकार जैक प्रेम पर हमला करके बचाव के लिए आता है, जो अपने गुंडों को प्रतिशोध में जैक को पीटने का आदेश देता है। हालांकि यह आने वाले राम और पुलिस द्वारा देखा गया, जिन्होंने प्रेम और उसके गुंडों को जमकर पीटा और गिरफ्तार कर लिया, जबकि राज और बॉबी भाग गए। यह तय करते हुए कि वे नहीं चाहते कि उनके पिता अब उनके रिश्ते में हस्तक्षेप करें, राज और बॉबी ने जैक का विरोध करने और पहली जगह में जगह शुरू करने के लिए राम को चबाने के बाद झरने पर कूद कर आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि एक भयभीत राम और जैक दोनों किशोरों को डूबने से बचाते हैं झगड़े की मूर्खता को महसूस करने के बाद, जिसने दोनों किशोरों मौत के घाट उतार दिए, एक पछतावा राम और जैक राज और बॉबी के रिश्ते को अपना आशीर्वाद देकर झगड़े को ख़त्म करने के लिए सहमत हुए और फिर कभी रिश्तों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। अपने रिश्तों में सामंजस्य से बिठाने के साथ किशोर और उनके पिता खुशी खुशी अपने परिवारों के घर वापस चले जाते हैं। ढालना राजा राजनाथ के रूप में ऋषि कपूर, डिंपल कपाड़िया बॉबी ब्रांगेजा के रूप में प्रेमनाथ, जैक ब्रांगेजा के रूप में श्रीमती ब्रांगेजा के रूप में दुर्गा कोटे, रामनाथ के रूप में प्राण, सोनिया साहनी के रूप में सुषमा नाथ, अरुणा ईरानी निमा के रूप में प्रेम चोपड़ा के रूप में प्रेम चोपड़ा, फरीदा जलाल अलका निक्की शर्मा के रूप में पिंचू कपूर, मिस्टर शर्मा के रूप में श्रीमती शर्मा के रूप में राजरानी, जगदीश राज पुलिस निरीक्षक के रूप में शशि किरण शामल के रूप में राज के कॉलेज साथी, श्रीमती पेस्टन जी के रूप में पीलू दीपाड़िया। इस फिल्म में राज कपूर ने अपने दूसरे बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च किया,
वह युवा प्रेम कहानी के पूरक के लिए एक नई गायिका चाहते थे। डिंपल कपाड़ी और नीतू सिंह का बॉबी ब्रांगजा की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया गया था, लेकिन डिंपल को आखिरकार चुना गया। गीत संगीत फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने दिया है। गीत आनंद बख्शी, राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी और विट्ठल भाई पटेल द्वारा लिखे गए थे। आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए गीत को छोड़कर जहां उल्लेख किया गया है। गाना नंबर 1 ए फांसा, इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। अरुणा ईरानी पर फिल्माया गया, ये इसकी टिप्पणी है। गाना नंबर 2 अखियों को रहने दे, इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। टिप्पणी, रेशमा के गीत अखियां नूरेदे पर आधारित है। गाना नंबर 3 बेशक मंदिर मस्जिद, इस गाने को नरेंद्र चंचल, राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी के बोल हैं। गाना नंबर 4 हम तुम एक काम के बंदे हो, इस गाने को लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। टिप्पणी, कपूर परिवार के बंगले में उनके फार्म हाउस राजबाग के अंदर गोली मार दी गई, जो अब राज कपूर का स्मारक है। और महाराष्ट्र में पुणे से 30 किलोमीटर पूर्व में डोनी कालभोर गांव में मुलामुथा नदी के तट पर MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी NIT WPU के अंदर स्थित है। गाना नंबर 5 झूठ बोले कौवा काटे, इस गाने को लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। टिप्पणी, गांव के एक डांस सेटिंग में ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़ी पर फिल्माया गया। गाना नंबर 6 मैं शायर तो नहीं, इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। टिप्पणी, ऋषि कपूर पर फिल्माया गया 2004 की फिल्म हम तुम में गीत का पुनः उपयोग किया गया और उस पर फिर से चित्रित किया गया। गाना नंबर 7 मुझे कुछ कहना है, इस गाने को लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 ना मंगुन सोना चांदी, इस गाने को मन्ना डे और शैलेंद्र सिंह गीतकार विट्ठल भाई पटेल ने अपनी आवाज़ में गाया है। पुरस्कार, 21वां फिल्मफेयर पुरस्कार जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषि कपूर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया, अभिमान के लिए जया वादुड़ के साथ बंदी, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर नरेंद्र चंचल को बेशक मंदिर मस्जिद के लिए, बेस्ट और डायरेक्शन ए रंगराजी, बेस्ट साउंड डिजाइन अलादीन खान कुरैशी, मनोनीत सर्वश्रेष्ठ फिल्म राज कपूर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राज कपूर, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता प्रेमनाथ, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री अरुणा ईरानी, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सर्वश्रेष्ठ गीतकार हम तुम एक काम के बंदे हो के लिए आनंद बख्शी, सर्वश्रेष्ठ गीतकार आनंद बख्शी मैं शायर तो नहीं के लिए, सर्वश्रेष्ठ गीतकार विट्ठल भाई पटेल झूठ बोले कौवा काटे के लिए, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर शैलेंद्र सिंह ने मैं शायर तो नहीं के लिए 1974 BFJ पुरस्कार, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर हिंदी सेक्शन शैलेंद्र सिंह मैं शायर तो नहीं के लिए। नंबर 2 सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफर हिंदी अनुवाद अलादीन खान कुरैशी, बॉबी मूवी की स्टोरी और गाने बहुत लोकप्रिय हुए जिसमें झूठ बोले कौवा काटे ये गाना बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको
बॉबी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। बॉबी 1973 फिल्म। बॉबी 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की संगीत में रोमांस फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन राज कपूर ने किया है और इसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा है। फिल्म में राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर उनकी पहली प्रमुख भूमिका में डिंपल कपाड़िया के साथ उनकी पहली भूमिका में है। निर्देशक राज कपूर द्वारा लिखित जैनेन्द्र जैन संवाद, पटकथा किए ख्वाजा अहमद अब्बास, बीपी साठे कहानी द्वारा ख्वाजा अहमद अब्बासी द्वारा उत्पादित राज कपूर, अभिनीत ऋषि कपूर, डिंपल कपाड़िया, प्रेमनाथ प्राण, छायांकन रातू कर्मकार द्वारा संपादित राज कपूर, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उत्पादन कंपनी आर के फिल्म्स द्वारा वितरित आर के फिल्म्स, रिलीज की तारीख 28 सितंबर 1973, कार्यकारी समय 169 मिनट, देश इंडिया, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 31 करोड़। फिल्म एक ब्लॉकबस्टर बन गई। 1973 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय हिट भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1970 के दशक की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिट और सभी की शीर्ष 20 सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म में से एक समय जब मुद्रा स्फीति के लिए समायोजित यह सोवियत संघ में विदेशी ब्लॉकबस्टर भी बन गई, जहां इसने 62.6 मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया। यह सोवियत संघ में अब तक की शीर्ष 20 सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म ट्रेंड सेटर बन गई। यह बेतहाशा लोकप्रिय था और व्यापक रूप से इसका अनुकरण किया गया था। इसने बॉलीवुड की एक पृष्ठभूमि के रूप में एक अमीर बनाम गरीब संघर्ष के साथ किशोर रोमांस की शैली पेश की। बाद के वर्षों और दर्शकों में कई फिल्में इस कथानक से प्रेरित थीं। इंडिया टाइम्स मूवीज ने बॉबी को टॉप 30 मस्ट सी बॉलीवुड फिल्म्स में स्थान दिया है। फिल्म को 1980 में परवाज दारगा पास के रूप में फारसी में बनाया गया था। भूखंड। कहानी अलग अलग वर्गों के दो बॉम्बे किशोरों के बीच प्यार के बारे में है। राजा राजनाथ ऋषि कपूर एक अमीर हिंदू व्यापारी रामनाथ प्राण का बेटा और बॉबी ब्रंगराजा डिंपल कपाड़िया एक गरीब की बेटी गोवा के ईसाई मछुआरे जय ब्रंगराजा प्रेमनाथ। राम अपने बोर्डिंग स्कूल से लौटता है। उनके लौटने पर उनके माता पिता ने उनका जन्मदिन मनाने के लिए एक पार्टी रखी। राज की पूर्व गवर्नर श्रीमती ब्रंगराजा दुर्गा कोटे बॉबी जो श्रीमती ब्रंगराजा की पोती है के साथ उन्हें उपहार देने के लिए आती है, लेकिन राज की माँ सुषमा नाथ सोनिया साहनी श्रीमती ब्रंगराजा की उपेक्षा करती है, जो उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। जल्दी में बॉबी राज अगले दिन अपने उपहार खोलता है और श्रीमती ब्रंगराजा का उपहार पाता है, इसलिए वह उसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का फैसला करता है। वहाँ पहुँच कर बॉबी उसके लिए दरवाज़ा खोलती है और यह उसके लिए पहली नज़र का प्यार है। उस यात्रा के दौरान वह अपनी किताब बॉबी के साथ मिलाता है, इसलिए यह वह किताबों का आदान प्रदान करने के लिए पुस्तकालय में उससे मिलने जाता है और उसी से दोनों की दोस्ती होती है।
राजा बॉबी एक फिल्म देखने जाने का फैसला करते हैं, लेकिन पता चलता है कि यह पूरा घर है। तभी राज को एक पार्टी में जाने का विचार आता है। पार्टी में बॉबी राज को सुषमा की डांस पार्टनर नीमा अरुणा ईरानी से बात करते हुए देखता है निजी तौर पर, और सोचता है कि वह उससे प्यार करता है, इसलिए वह कश्मीर जाने से पहले अपने रिश्ते को तोड़ देती है। हालांकि राज कश्मीर आता है, गलतफहमी को दूर करता है। जिसे बॉबी उसके साथ अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। राज की मिलनसार स्वभाव के कारण जैक और मिसेस ब्रंगेजा के राज और बॉबी के रिश्ते के बहुत समर्थक होने के बावजूद राज को पता चलता है कि राम इस मामले को अच्छी तरह से नहीं लेता है। जो अपने बेटे के एक गरीब मछुआरे के की बेटी के प्यार में पड़ने के विचार से घृणा करता है। राज के आग्रह पर राम ने जैक को राज और बॉबी के रिश्ते की बातचीत शुरू करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन इसके बजाय एक जगह तब भड़क उठता है जब राम जैक का अपमान करता है और उस पर बॉबी की सुंदरता और आकर्षण का उपयोग करके राज को अपने पैसे के लिए फंसाने का आरोप लगाता है। यहाँ तक कि उसने बॉबी के राज को देखने से रोकने के लिए जैक को नगद रिश्वत की पेशकश की थी। जैक इस आरोप से नाराज हो जाता है और बॉबी के साथ जाने से पहले राम का अपमान करके प्रतिशोध लेता है। उसे फिर से राज के साथ घूमने से मना करता है। बॉबी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जैक उसे और श्रीमती बैंगेजा को रहने के लिए भेजता है गोवा। बॉबी को भगाने के लिए राम पर भड़क गया। राज यह तब और तेज हो गया जब उसे पता चला कि राम उसकी शादी अलका निक्की शर्मा फरीदा जलाल नाम की मानसिक रूप से विकलांग धनी लड़की से करना चाहता है, ताकि वह राज से सलाह किए बिना अपने अमीर पिता श्री शर्मा पिंचू कपूर के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर सके। सुषमा और नीमा भी इस विचार के समर्थक नहीं है। नीमा भी इस मुद्दे पर राज से सहानुभूति रखती है कि सलाह पर राज अपने पिता से सभी संबंध तोड़ देता है और बॉबी के साथ पुनर्मिलन के लिए गोवा चला जाता है, जो उसके साथ भाग जाता है। जैसा कि सुषमा राज को भगाने के लिए राम को दोषी ठहराती है, बाद में राज को खोजने में मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए $25,000 के इनाम का विज्ञापन करती है। एक स्थानीय समाचार पत्र पर इनाम देखते हुए राज और बॉबी को देखकर प्रेम चोपड़ा नाम का एक स्थानीय लालची गुंडा प्रेम चोपड़ा फैसला करता है कि उसे पैसे चाहिए, इसलिए वह और उसके गुंडे राज और बॉबी का अपहरण कर लेते हैं। जब किशोर भागने की कोशिश करते हैं तो बॉबी को रोकने के लिए अपने गुंडों के साथ प्रेमराज की पिटाई शुरू कर देता है। आखिरकार जैक प्रेम पर हमला करके बचाव के लिए आता है, जो अपने गुंडों को प्रतिशोध में जैक को पीटने का आदेश देता है। हालांकि यह आने वाले राम और पुलिस द्वारा देखा गया, जिन्होंने प्रेम और उसके गुंडों को जमकर पीटा और गिरफ्तार कर लिया, जबकि राज और बॉबी भाग गए। यह तय करते हुए कि वे नहीं चाहते कि उनके पिता अब उनके रिश्ते में हस्तक्षेप करें, राज और बॉबी ने जैक का विरोध करने और पहली जगह में जा शुरू करने के लिए राम को चवाने के बाद झरने पर कूद कर आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि एक भयभीत राम और जैक दोनों किशोरों को डूबने से बचाते हैं और उन्हें डूबने से बचाते हैं। झगड़े की मूर्खता को महसूस करने के बाद जिसने दोनों किशोरों को मौत के घाट उतार दिए, एक पछतावा राम और जैक राज और बॉबी के रिश्ते को अपना आशीर्वाद देकर झगड़े को ख़त्म करने के लिए सहमत हुए और फिर कभी इसमें हस्तक्षेप न करने का वादा किया। अपने रिश्तों में सामंजस्य से बिठाने के साथ किशोर और उनके पिता खुशी खुशी अपने परिवारों के घर वापस चले जाते हैं। ढालना राजा राजनाथ के रूप में ऋषि कपूर, डिंपल कपाड़िया बॉबी ब्रंगेजा के रूप में प्रेमनाथ, जैक ब्रंगेजा के रूप में
श्रीमती वरंगेजा के रूप में दुर्गा कोटे, रामनाथ के रूप में प्राण, सोनिया साहनी के रूप में सुषमा नाथ, अरुणा ईरानी निमा के रूप में प्रेम चोपड़ा के रूप में प्रेम चोपड़ा, फरीदा जलाल अलका निक्की शर्मा के रूप में पिंचू कपूर, मिस्टर शर्मा के रूप में श्रीमती शर्मा के रूप में राजानी, जगदीश राज पुलिस निरीक्षक के रूप में शशिकरण श्यामल के रूप में राज के कॉलेज साथी, श्रीमती पेस्टन जी के रूप में पीलू बाड़िया। इस फिल्म में राज कपूर ने अपने दूसरे बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च किया। वह युवा प्रेम कहानी के पूरक के लिए एक नई गायिका चाहते थे। डिंपल कपाड़ी और नीतू सिंह का बहुवीर ब्रांगजा की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया गया था, लेकिन डिंपल को आखिरकार चुना गया। गीत संगीत फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने दिया है। गीत आनंद बख्शी, राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी और विट्ठल भाई पटेल द्वारा लिखे गए थे। आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए गीत को छोड़कर जहाँ उल्लेख किया गया है, गाना नंबर एक ए फांसा, इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। अरुणा ईरानी पर फिल्माया गया, ये इसकी टिप्पणी है। गाना नंबर दो अखियों को रहने दे, इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। टिप्पणी, रेशमा के गीत अखियाँ नूरहदेव पर आधारित है। गाना नंबर तीन बेशक मंदिर मस्जिद, इस गाने को नरेंद्र चंचल, राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी के बोल हैं। गाना नंबर चार हम तुम एक काम के बंदे हो, इस गाने को लता मंगेशकर शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। टिप्पणी, कपूर परिवार के बंगले में उनके फार्म हाउस राजबाग के अंदर गोली मार दी गई, जो अब राज कपूर का स्मारक है। और महाराष्ट्र में पुणे से 30 किलोमीटर पूर्व में लोनी कालभोर गांव में मुलामुथा नदी के तट पर MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी NIT WPU के अंदर स्थित है। गाना नंबर पाँच झूठ बोले कौवा काटे, इस गाने को लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। टिप्पणी, गांव के एक डांस सेटिंग में ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़े पर फिल्माया गया। गाना नंबर छः मैं शायर तो नहीं, इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। टिप्पणी, ऋषि कपूर पर फिल्माया गया 2004 की फिल्म हम तुम में गीत का पुनः उपयोग किया गया और उस पर फिर से चित्रित किया गया। गाना नंबर सात मुझे कुछ कहना है, इस गाने को लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ ना मंगुन सोना चांदी, इस गाने को मन्ना डे और शैलेंद्र सिंह गीतकार विट्ठल भाई पटेल ने अपनी आवाज़ में गाया है। पुरस्कार, 21वां फिल्मफेयर पुरस्कार जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषि कपूर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया, अभिमान के लिए जया वादुड़ के साथ बंदी, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर नरेंद्र चंचल को बेशक मंदिर मस्जिद के लिए, बेस्ट और डायरेक्शन ए रंगराजी, बेस्ट साउंड डिजाइन अलादीन खान कुरैशी, मनोनीत सर्वश्रेष्ठ फिल्म राज कपूर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राज कपूर, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता प्रेमनाथ, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री अरुणा ईरानी, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सर्वश्रेष्ठ गीतकार हम तुम एक काम के बंदे हो के लिए आनंद बख्शी, सर्वश्रेष्ठ गीतकार आनंद बख्शी मैं शायर तो नहीं के लिए, सर्वश्रेष्ठ गीतकार विट्ठल भाई पटेल झूठ बोले कौवा काटे के लिए, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर शैलेंद्र सिंह ने मैं शायर तो नहीं के लिए 1974 BFJ पुरस्कार, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर हिंदी सेक्शन शैलेंद्र सिंह
मैं शायर तो नहीं के लिए। नंबर दो, सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफर हिंदी अनुवाद अलादीन खान कुरैशी। बॉबी मूवी की स्टोरी और गाने बहुत लोकप्रिय हुए, जिसमें झूठ बोले कौवा काटे ये गाना बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको बॉबी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। बॉबी 1973 फिल्म। बॉबी 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की संगीत में रोमांस फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन राज कपूर ने किया है और इसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा है। फिल्म में राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर उनकी पहली प्रमुख भूमिका में डिंपल कपाड़िया के साथ उनकी पहली भूमिका में है। निर्देशक राज कपूर द्वारा लिखित जैनेन्द्र जैन संवाद पटकथा की है ख्वाजा अहमद अब्बास। बीपी साठे कहानी द्वारा ख्वाजा अहमद अब्बासी द्वारा उत्पादित राज कपूर अभिनीत ऋषि कपूर डिंपल कपाड़िया प्रेमनाथ प्राण। छायांकन रातु कर्मकार द्वारा संपादित राज कपूर। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। उत्पादन कंपनी आर के फिल्म्स द्वारा वितरित। आर के फिल्म्स रिलीज की तारीख 28 सितंबर 1973। कार्यकारी समय 169 मिनट। देश इंडिया। भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस अनुमानित 31 करोड़। फिल्म एक ब्लॉकबस्टर बन गई। 1973 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय हिट भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1970 के दशक की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिट और सभी की शीर्ष 20 सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म में से एक समय जब मुद्रा स्फीति के लिए समायोजित यह सोवियत संघ में विदेशी ब्लॉकबस्टर भी बन गई, जहां इसने 62.6 मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया। यह सोवियत संघ में अब तक की शीर्ष 20 सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म ट्रेंड सेटर बन गई। यह बेतहाशा लोकप्रिय था और व्यापक रूप से इसका अनुकरण किया गया था। इसने बॉलीवुड को एक पृष्ठभूमि के रूप में एक अमीर बनाम गरीब संघर्ष के साथ किशोर रोमांस की शैली पेश की। बाद के वर्षों और दर्शकों में कई फिल्में इस कथानक से प्रेरित थीं। इंडिया टाइम्स मूवीज ने बॉबी को टॉप 30 मस्ट सी बॉलीवुड फिल्म्स में स्थान दिया है। फिल्म को 1980 में परवाज दारगा पास के रूप में फारसी में बनाया गया था। भूखंड। कहानी अलग अलग वर्गों के दो बॉम्बे किशोरों के बीच प्यार के बारे में है। राजा राजनाथ ऋषि कपूर एक अमीर हिंदू व्यापारी रामनाथ प्राण का बेटा और बॉबी ब्रंगाजा डिंपल कपाड़िया एक गरीब की बेटी गोवा के ईसाई मछुआरे जय ब्रंगाजा प्रेमनाथ। राम अपने बोर्डिंग स्कूल से लौटता है। उनके लौटने पर उनके माता पिता ने उनका जन्मदिन मनाने के लिए एक पार्टी रखी। राज की पूर्व गवर्नर श्रीमती ब्रंगाजा दुर्गा खोटे बॉबी जो श्रीमती ब्रंगाजा की पोती है के साथ उन्हें उपहार देने के लिए आती है, लेकिन राज की माँ सुषमा नाथ
सोनिया साहनी श्रीमती बांगराजा की उपेक्षा करती है, जो उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। जल्दी में बॉबी राज अगले दिन अपने उपहार खोलता है और श्रीमती ब्रांगाजा का उपहार पाता है, इसलिए वह उसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का फैसला करता है। वहाँ पहुँच कर बॉबी उसके लिए दरवाज़ा खोलती है और यह उसके लिए पहली नज़र का प्यार है। उस यात्रा के दौरान वह अपनी किताब बॉबी के साथ मिलाता है, इसलिए यह वह किताबों का आदान प्रदान करने के लिए पुस्तकालय में उससे मिलने जाता है और उसी से दोनों की दोस्ती होती है। राजा बॉबी एक फिल्म देखने जाने का फैसला करते हैं, लेकिन पता चलता है कि यह पूरा घर है। तभी राज को एक पार्टी में जाने का विचार आता है। पार्टी में बॉबी राज को सुषमा की डांस पार्टनर नीमा अरुणा ईरानी से बात करते हुए देखता है निजी तौर पर और सोचता है कि वह उससे प्यार करता है, इसलिए वह कश्मीर जाने से पहले अपने रिश्ते को तोड़ देती है। हालांकि राज कश्मीर आता है, गलतफहमी को दूर करता है। जिसे बॉबी उसके साथ अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। राज की मिलनसार स्वभाव के कारण जैक और मिसेस ब्रंगेजा के राज और बॉबी के रिश्ते के बहुत समर्थक होने के बावजूद राज को पता चलता है कि राम इस मामले को अच्छी तरह से नहीं लेता है, जो अपने बेटे के एक गरीब मछुआरे के की बेटी के प्यार में पड़ने के विचार से घृणा करता है। राज के आग्रह पर राम ने जैक को राज और बॉबी के रिश्ते की बातचीत शुरू करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन इसके बजाय एक जगह तक भड़क उठता है जब राम जैक का अपमान करता है और उस पर बॉबी की सुंदरता और आकर्षण का उपयोग करके राज को अपने पैसे के लिए फंसाने का आरोप लगाता है। यहाँ तक कि उसने बॉबी के राज को देखने से रोकने के लिए जैक को नगद रिश्वत की पेशकश की थी। जैक इस आरोप से नाराज हो जाता है और बॉबी के साथ जाने से पहले राम का अपमान करके प्रतिशोध लेता है। उसे फिर से राज के साथ घूमने से मना करता है। बॉबी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जैक उसे और श्रीमती ब्रंगेजा को रहने के लिए भेजता है गोवा। बॉबी को भगाने के लिए राम पर भड़क गया राज। यह तब और तेज हो गया जब उसे पता चला कि राम उसकी शादी अलका निक्की शर्मा फरीदा जलाल नाम की मानसिक रूप से विकलांग धनी लड़की से करना चाहता है, ताकि वह राज से सलाह किए बिना अपने अमीर पिता श्री शर्मा पिंचू कपूर के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर सके। सुषमा और नीमा भी इस विचार के समर्थक नहीं है। नीमा जो इस मुद्दे पर राज से सहानुभूति रखती है कि सलाह पर राज अपने पिता से सभी संबंध तोड़ देता है और बॉबी के साथ पुनर्मिलन के लिए गोवा चला जाता है, जो उसके साथ भाग जाता है। जैसा कि सुषमा राज को भगाने के लिए राम को दोषी ठहराती है, बाद में राज को खोजने में मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए $25,000 के इनाम का विज्ञापन करती है। एक स्थानीय समाचार पत्र पर इनाम देखते हुए राज और बॉबी को देखकर प्रेम चोपड़ा नाम का एक स्थानीय लालची गुंडा प्रेम चोपड़ा फैसला करता है कि उसे पैसे चाहिए, इसलिए वह और उसके गुंडे राज और बॉबी का अपहरण कर लेते हैं। जब किशोर भागने की कोशिश करते हैं तो बॉबी को रोकने के लिए अपने गुंडों के साथ प्रेमराज की पिटाई शुरू कर देता है। आखिरकार जैक प्रेम पर हमला करके बचाव के लिए आता है, जो अपने गुंडों को प्रतिशोध में जैक को पीटने का आदेश देता है। हालांकि यह आने वाले राम और पुलिस द्वारा देखा गया, जिन्होंने प्रेम और उसकी गुंडों को जमकर पीटा और गिरफ्तार कर लिया, जबकि राज और बॉबी भाग गए। यह तय करते हुए कि वे नहीं चाहते कि उनके पिता अब उनके रिश्ते में हस्तक्षेप करें, राज और बॉबी ने जैक का
विरोध करने पहली जगह में जहाँ शुरू करने के लिए राम को चबाने के बाद झरने पर कूद कर आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि एक भयभीत राम और जय दोनों किशोरों को डूबने से बचाते हैं और उन्हें डूबने से बचाते हैं। झगड़े की मूर्खता को महसूस करने के बाद जिसने दोनों किशोरों को मौत के घाट उतार दिए, एक पछतावा राम और जयराज और गोभी के रिश्ते को अपना आशीर्वाद देकर झगड़े को ख़त्म करने के लिए सहमत हुए और फिर कभी रिश्तों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। अपने रिश्तों में सामंजस्य से बिठाने के साथ किशोर और उनके पिता खुशी खुशी अपने परिवारों के घर वापस चले जाते हैं। ढालना। राजा राजनाथ के रूप में ऋषि कपूर, डिंपल कपाड़िया बॉबी ब्रांगेजा के रूप में प्रेमनाथ, जैक ब्रांगेजा के रूप में श्रीमती ब्रांगेजा के रूप में दुर्गा कोटे, रामनाथ के रूप में प्राण, सोनिया साहनी के रूप में सुषमा नाथ, अरुणा ईरानी निमा के रूप में प्रेम चोपड़ा के रूप में प्रेम चोपड़ा, फरीदा जलाल अलका निक्की शर्मा के रूप में पिंचू कपूर, मिस्टर शर्मा के रूप में श्रीमती शर्मा के रूप में राजरानी, जगदीश राज पुलिस निरीक्षक के रूप में शशि किरण श्यामल के रूप में राज के कॉलेज साथी, श्रीमती पेस्टन जी के रूप में पीलू जी बाडिया। इस फिल्म में राज कपूर ने अपने दूसरे बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च किया। वह युवा प्रेम कहानी के पूरक के लिए एक नई गायिका चाहते थे। डिंपल कपाड़िया और नीतू सिंह का बॉबी ब्रांगेजा की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया गया था, लेकिन डिंपल को आखिरकार चुना गया। गीत संगीत। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने दिया है। गीत आनंद बख्शी, राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी और विट्ठल भाई पटेल द्वारा लिखे गए थे। आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए गीत को छोड़कर जहां उल्लेख किया गया है। गाना नंबर एक ए फांसा। इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। अरुणा ईरानी पर फिल्माया गया, ये इसकी टिप्पणी है। गाना नंबर दो अखियों को रहने दे। इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। टिप्पणी। रेशमा के गीत अखियां नूर हृदय पर आधारित है। गाना नंबर तीन बेशक मंदिर मस्जिद। इस गाने को नरेंद्र चंचल, राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी के बोल हैं। गाना नंबर चार हम तुम एक काम के बंदे हो। इस गाने को लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। टिप्पणी। कपूर परिवार के बंगले में उनके फार्म हाउस राजबाग के अंदर गोली मार दी गई, जो अब राज कपूर का स्मारक है। और महाराष्ट्र में पुणे से 30 किलोमीटर पूर्व में लोनी कालभोर गांव में मुलामुथा नदी के तट पर MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी NIT WPU के अंदर स्थित है। गाना नंबर पाँच झूठ बोले कौवा काटे। इस गाने को लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। टिप्पणी। गांव के एक डांस सेटिंग में ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़े पर फिल्माया गया। गाना नंबर छः मैं शायर तो नहीं। इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। टिप्पणी। ऋषि कपूर पर फिल्माया गया 2004 की फिल्म हम तुम में गीत का पुनः उपयोग किया गया और उस पर फिर से चित्रित किया गया। गाना नंबर सात मुझे कुछ कहना है। इस गाने को लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ ना मंगून सोना चांदी। इस गाने को मन्ना डे और शैलेंद्र सिंह गीतकार विट्ठल भाई पटेल ने अपनी आवाज़ में गाया है। पुरस्कार। 21वां फिल्मफेयर पुरस्कार जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषि कपूर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया, अभिमान के लिए जया वादुड़ के साथ बंदी, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर नरेंद्र चंचल को बेशक,
मंदिर मस्जिद के लिए। बेस्ट और डायरेक्शन ए रंगराजी। बेस्ट साउंड डिजाइन अलादीन खान कुरैशी। मनोनीत सर्वश्रेष्ठ फिल्म राज कपूर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राज कपूर। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता प्रेम नाथ। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री अरुणा ईरानी। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सर्वश्रेष्ठ गीतकार हम तुम एक काम के बंदे हो के लिए आनंद बख्शी। सर्वश्रेष्ठ गीतकार आनंद बख्शी मैं शायर तो नहीं के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीतकार विठल भाई पटेल झूठ बोले कौवा काटे के लिए। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर श्रेणी सिंह में मैं शायर तो नहीं के लिए 1974 BFJ पुरस्कार। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर हिंदी सेक्शन शैलेंद्र सिंह मैं शायर तो नहीं के लिए। नंबर दो सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफर हिंदी अनुभाग अलादीन खान कुरैशी। बॉबी मूवी की स्टोरी और गाने बहुत लोकप्रिय हुए जिसमें झूठ बोले कौवा काटे ये गाना बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको बॉबी मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। बॉबी 1973 फिल्म। बॉबी 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की संगीत में रोमांस फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन राज कपूर ने किया है और इसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा है। फिल्म में राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर उनकी पहली प्रमुख भूमिका में डिंपल कपाड़िया के साथ उनकी पहली भूमिका में है। निर्देशक राज कपूर द्वारा लिखित जैनेन्द्र जैन संवाद पटकथा की है ख्वाजा अहमद अब्बास। बीपी साठे कहानी द्वारा ख्वाजा अहमद अब्बासी द्वारा उत्पादित राज कपूर अभिनीत ऋषि कपूर डिंपल कपाड़िया प्रेमनाथ प्राण। छायांकन रातु कर्मकार द्वारा संपादित राज कपूर। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। उत्पादन कंपनी आर के फिल्म्स द्वारा वितरित। आर के फिल्म्स रिलीज की तारीख 28 सितंबर 1973 कार्यकारी समय 169 मिनट। देश इंडिया। भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस अनुमानित 31 करोड़। फिल्म एक ब्लॉकबस्टर बन गई। 1973 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय हिट। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1970 के दशक की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिट और सभी की शीर्ष 20 सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म में से एक समय जब मुद्रा स्फीति के लिए समायोजित यह सोवियत संघ में विदेशी ब्लॉकबस्टर भी बन गई, जहां इसने 62.6 मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया। यह सोवियत संघ में अब तक की शीर्ष 20 सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म ट्रेंड सेटर बन गई। यह बेतहाशा लोकप्रिय था और व्यापक रूप से इसका अनुकरण किया गया था। इसने बॉलीवुड की एक पृष्ठभूमि के रूप में एक अमीर बनाम गरीब संघर्ष के साथ किशोर रोमांस की शैली पेश की। बाद के वर्षों और दर्शकों में कई फिल्में इस कथानक से प्रेरित थीं। इंडिया टाइम्स मूवीज़ ने बॉबी को टॉप 30 मस्ट सी
बॉलीवुड फिल्म्स में स्थान दिया है। फिल्म को 1980 में परवाज दारगपास के रूप में फारसी में बनाया गया था। भूखंड, कहानी अलग अलग वर्गों के दो बॉम्बे किशोरों के बीच प्यार के बारे में है। राजा राजनाथ ऋषि कपूर एक अमीर हिंदू व्यापारी रामनाथ प्राण का बेटा और बॉबी ब्रंगाजा डिंपल कपाड़िया एक गरीब की बेटी गोवा के ईसाई मछुआरे जैक ब्रंगाजा प्रेमनाथ। राम अपने बोर्डिंग स्कूल से लौटता है। उनके लौटने पर उनके माता पिता ने उनका जन्मदिन मनाने के लिए एक पार्टी रखी। राज की पूर्व गवर्नर श्रीमती ब्रंगाजा दुर्गा खोटे बॉबी जो श्रीमती ब्रंगाजा की पोती है के साथ उन्हें उपहार देने के लिए आती है, लेकिन राज की माँ सुषमा नाथ सोनिया सहनी श्रीमती ब्रंगाजा की उपेक्षा करती है जो उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। जल्दी में बॉबी राज अगले दिन अपने उपहार खोलता है और श्रीमती ब्रंगाजा का उपहार पाता है, इसलिए वह उसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का फैसला करता है। वहाँ पहुँच कर बॉबी उसके लिए दरवाज़ा खोलती है और यह उसके लिए पहली नज़र का प्यार है। उस यात्रा के दौरान वह अपनी किताब बॉबी के साथ मिलाता है, इसलिए यह वह किताबों का आदान प्रदान करने के लिए पुस्तकालय में उससे मिलने जाता है और उसी से दोनों की दोस्ती होती है। राजा बॉबी एक फिल्म देखने जाने का फैसला करते हैं, लेकिन पता चलता है कि यह पूरा घर है। तभी राज को एक पार्टी में जाने का विचार आता है। पार्टी में बॉबी राज को सुषमा की डांस पार्टनर नीमा अरुणा ईरानी से बात करते हुए देखता है निजी तौर पर और सोचता है कि वह उससे प्यार करता है, इसलिए वह कश्मीर जाने से पहले अपने रिश्ते को तोड़ देती है। हालांकि राज कश्मीर आता है, गलतफहमी को दूर करता है। जिसे बॉबी उसके साथ अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। राज की मिलनसार स्वभाव के कारण जैक और मिसेस ब्रंगाजा के राज और बॉबी के रिश्ते के बहुत समर्थक होने के बावजूद राज को पता चलता है कि राम इस मामले को अच्छी तरह से नहीं लेता है, जो अपने बेटे के एक गरीब मछुआरे के की बेटी के प्यार में पड़ने के विचार से घृणा करता है। राज के आग्रह पर राम ने जैक को राज और बॉबी के रिश्ते की बातचीत शुरू करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन इसके बजाय एक जगह तक भड़क उठता है जब राम जैक का अपमान करता है और उस पर बॉबी की सुंदरता और आकर्षण का उपयोग करके राज को अपने पैसे के लिए फंसाने का आरोप लगाता है। यहाँ तक कि उसने बॉबी के राज को देखने से रोकने के लिए जैक को नगद रिश्वत की पेशकश की थी। जैक इस आरोप से नाराज हो जाता है और बॉबी के साथ जाने से पहले राम का अपमान करके प्रतिशोध लेता है। उसे फिर से राज के साथ घूमने से मना करता है। बॉबी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जैक उसे और श्रीमती ब्रंगाजा को रहने के लिए भेजता है गोवा। बॉबी को भगाने के लिए राम पर भड़क गया। राज यह तब और तेज हो गया जब उसे पता चला कि राम उसकी शादी अलका निक्की शर्मा फरीदा जलाल नाम की एक मानसिक रूप से विकलांग धनी लड़की से करना चाहता है, ताकि वह राज से सलाह किए बिना अपने अमीर पिता श्री शर्मा पिंचू कपूर के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर सके। सुषमा और नीमा भी इस विचार के समर्थक नहीं है। नीमा जो इस मुद्दे पर राज से सहानुभूति रखती है कि सलाह पर राज अपने पिता से सभी संबंध तोड़ देता है और बॉबी के साथ पुनर्मिलन के लिए गोवा चला जाता है, जो उसके साथ भाग जाता है। जैसा कि सुषमा राज को भगाने के लिए राम को दोषी ठहराती है, बाद में राज को खोजने में मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए $25,000 के नाम का विज्ञापन करती है।
एक स्थानीय समाचार पत्र परिणाम देखते हुए राज और बॉबी को देखकर प्रेम चोपड़ा नाम का एक स्थानीय लालची गुंडा प्रेम चोपड़ा फैसला करता है कि उसे पैसे चाहिए, इसलिए वह और उसके गुंडे राज और बॉबी का अपहरण कर लेते हैं। जब किशोर भागने की कोशिश करते हैं तो बॉबी को रोकने के लिए अपने गुंडों के साथ प्रेम राज की पिटाई शुरू कर देता है। आखिरकार जैक प्रेम पर हमला करके बचाव के लिए आता है, जो अपने गुंडों को प्रतिशोध में जैक को पीटने का आदेश देता है। हालांकि यह आने वाले राम और पुलिस द्वारा देखा गया, जिन्होंने प्रेम और उसकी गुंडों को जमकर पीटा और गिरफ्तार कर लिया, जबकि राज और बॉबी भाग गए। यह तय करते हुए कि वे नहीं चाहते कि उनके पिता अब उनके रिश्ते में हस्तक्षेप करे, राज और बॉबी ने जैक का विरोध करने और पहली जगह में जा शुरू करने के लिए राम को चबाने के बाद झरने पर कूद कर आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि एक भयभीत राम और जैक दोनों किशोरों को डूबने से बचाते हैं और उन्हें डूबने से बचाते हैं। झगड़े की मूर्खता को महसूस करने के बाद जिसने दोनों किशोरों मौत के घाट उतार दिए, एक पछतावा राम और जैक राज और बॉबी के रिश्ते को अपना आशीर्वाद देकर झगड़े को ख़त्म करने के लिए सहमत हुए और फिर कभी इस तुम्हें हस्तक्षेप न करने का वादा किया। अपने रिश्तों में सामंजस्य से बिठाने के साथ किशोर और उनके पिता खुशी खुशी अपने परिवारों के घर वापस चले जाते हैं। ढालना राजा राजनाथ के रूप में ऋषि कपूर, डिंपल कपाड़िया बॉबी ब्रांगेजा के रूप में प्रेमनाथ, जैक ब्रांगेजा के रूप में श्रीमती ब्रांगेजा के रूप में दुर्गा कोटे, रामनाथ के रूप में प्राण, सोनिया साहनी के रूप में सुषमा नाथ, अरुणा ईरानी निमा के रूप में प्रेम चोपड़ा के रूप में प्रेम चोपड़ा, फरीदा जलाल अलका निक्की शर्मा के रूप में पिंचू कपूर, मिस्टर शर्मा के रूप में श्रीमती शर्मा के रूप में राजरानी, जगदीश राज पुलिस निरीक्षक के रूप में शशिकरण, श्याम के रूप में राज के कॉलेज साथी श्रीमती पेस्टन जी के रूप में पीली जी बाडिया। इस फिल्म में राज कपूर ने अपने दूसरे बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च किया। वह युवा प्रेम कहानी के पूरक के लिए एक नई गायिका चाहते थे। डिंपल कपाड़िया और नीतू सिंह का बॉबी ब्रांगेजा की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया गया था, लेकिन डिंपल को आखिरकार चुना गया। गीत संगीत फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने दिया है। गीत आनंद बख्शी, राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी और विट्ठल भाई पटेल द्वारा लिखे गए थे। आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए गीत को छोड़कर जहां उल्लेख किया गया है। गाना नंबर एक ए फांसा, इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। अरुणा ईरानी पर फिल्माया गया, ये इसकी टिप्पणी है। गाना नंबर दो अखियों को रहने दे, इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। टिप्पणी, रेशमा के गीत अखियाँ नूर हृदय पर आधारित है। गाना नंबर तीन बेशक मंदिर मस्जिद, इस गाने को नरेंद्र चंचल, राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी के बोल हैं। गाना नंबर चार हम तुम एक काम के बंदे हो, इस गाने को लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। टिप्पणी, कपूर परिवार के बंगले में उनके फार्म हाउस राजबाग के अंदर गोली मार दी गई, जो राज कपूर का स्मारक है और महाराष्ट्र में पुणे से 30 किलोमीटर पूर्व में लोनी कालभोर गांव में मुलामुथा नदी के तट पर MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी NIT WPU के अंदर स्थित है। गाना नंबर पाँच झूठ बोले कौवा काटे, इस गाने को लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। टिप्पणी,
गांव के एक डांस सेटिंग में ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़े पर फिल्माया गया। गाना नंबर 6 मैं शायर तो नहीं, इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। टिप्पणी ऋषि कपूर पर फिल्माया गया 2004 की फिल्म हम तुम में गीत का पुनः उपयोग किया गया और उस पर फिर से चित्रित किया गया। गाना नंबर 7 मुझे कुछ कहना है, इस गाने को लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 ना मंगुन सोना चांदी, इस गाने को मन्ना डे और शैलेंद्र सिंह गीतकार विठल भाई पटेल ने अपनी आवाज़ में गाया है। पुरस्कार 21वां फिल्मफेयर पुरस्कार जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषि कपूर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया, अभिमान के लिए जया वादुल के साथ बंदी, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर नरेंद्र चंचल को बेशक मंदिर मस्जिद के लिए, बेस्ट और डायरेक्शन ए रंगराजी, बेस्ट साउंड डिजाइन अलादीन खान कुरैशी, मनोनीत सर्वश्रेष्ठ फिल्म राज कपूर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राज कपूर, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता प्रेम नाथ, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री अरुणा ईरानी, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सर्वश्रेष्ठ गीतकार हम तुम एक काम के बंदे हो के लिए आनंद बख्शी, सर्वश्रेष्ठ गीतकार आनंद बख्शी मैं शायर तो नहीं के लिए, सर्वश्रेष्ठ गीतकार विठल भाई पटेल झूठ बोले कौवा काटे के लिए, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर शैलेंद्र सिंह ने मैं शायर तो नहीं के लिए 1974 BFJ पुरस्कार, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर हिंदी सेक्शन शैलेंद्र सिंह मैं शायर तो नहीं के लिए। नंबर 2 सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफर हिंदी अनुवाद अलादीन खान कुरैशी, बॉबी मूवी की स्टोरी और गाने बहुत लोकप्रिय हुए जिसमें झूठ बोले कौवा काटे ये गाना बहुत ही लोकप्रिय साबित हुआ।